उपेन भी बहुत ही टैलेंटेड है ना उपेन, जैसे मैं टीवी में काम करती हूँ उपेन फिल्में भी करते हैं। बड़ी बड़ी फिल्में की है मैंने, नमस्ते लंदन। यस, इन्होंने उधर लंदन को नमस्ते की, इधर इंडस्ट्री ने इनको नमस्ते कर दिया। अरे थोड़ी बहुत बरसात क्या ही बाहर, यहाँ तो मेंढक निकला है। लेकिन भैया छोटा मोटा बंदा नहीं है, हम लोग देख लो, हम लोग आर्टिस्ट लोग सेट के ऊपर आते हैं, एक एक ड्राइवर है हम लोग के पास, इनके पास तीन ड्राइवर, एक ब्रेक दबाने के लिए, क्लच दबाने के लिए, एक एस्केलेटर दबाने के लिए। ये राजपाल यादव यहाँ क्या कर रहे हैं? इलाज कराने आया है। इन्हें क्या बीमारी हुई? जो 36 साल पहले मुझे हुई थी। वो क्या? मैंने भी एक दिन कहा था ना मैं हीरो हूँ, आज ये कह रहा है। आप सबको शायद पता है कि इनको वॉइस ऑफ शाहरुख भी कहा जाता है, लेकिन अभी इन्होंने बोल दिया है कि अब मैं शाहरुख के लिए नहीं गाऊंगा। सर कभी शाहरुख से पूछा कि वो अब आपसे गवाएगा? I am not only the star's voice, it's my voice. मैंने तो स्टार बनाए हैं यार। मजा आता सर, यही बात आप बैठ के बोलते। सर आपने करिश्मा तन्ना बनने की रेसिपी दिखाई, अब अगर किसी को उपेन पटेल बनना हो तो? नंबर वन, भले आपको कितनी भी अच्छी हिंदी आती हो, बिना बात के एक्सेंट में बोलने का। ओ, इससे क्या हो गया? इससे भले तुम्हारी शक्ल घाटकोपर वाली हो, तुम लंदन के एनआरआई हो। नंबर टू, आगे बोलो। आगे नहीं, नंबर टू ही करना है फिल्मों में। पता नहीं आज क्या होने वाला है, आज कॉमेडी नाइट्स बचाओ में कुछ नया होने वाला है। आ जाओ अंदर ही आ जाओ। बचाओ में क्या नया होने वाला है? कुछ नया होने वाला, कुछ नया होने वाला। बेस्ती हो गई, ये हो गया, लेकिन आज बेस्ता है। बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत टेंशन में। कैसे करेंगे यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मरवाएंगे लोग। आज कॉमेडी नाइट्स बचाओ में होने वाला है मैराथन। मैराथन, कुछ मैराथन होने वाला है। सोचो जो आज जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी तो वाट लगने वाली है। लोगों ने कुछ बजर वगैरह मंगाए हुए हैं, लेकिन थैंकफुली आज मैं कंटेस्टेंट हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही करण, कि जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं और किसी को हमारी बात समझ नहीं आई, बीच में बजर बजा दिया तो अपना एक्ट रह गया ना। तो निकुल सर को बोलना यार, वैसे ही फुटेज नहीं मिल गया। गई थी वो पे दरवाजा हमारा, ये देख अभी तक निशान पड़ा हुआ है। Hello and welcome to Comedy Nights Bachao! अलग अलग जॉनर से आज हमने एक्टर्स बुलाए यहाँ पे। सच्ची? जी, जोरदार तालियां हो जाए हमारे चार सुपरस्टार्स के लिए। प्लीज वेलकम उपेन पटेल, करिश्मा तन्ना, राजपाल यादव और अभिजीत दा। ऐसा लगता है तीन भाई अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने आए। अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मतलब अभिजीत जी इतने टेक्ड अप आए हैं, उपेन देखिए क्या बढ़िया सूट पहना है, करिश्मा भी, ये आप टी शर्ट में कैसे आना हुआ सर? एक्चुअली हम बुलाए गए। कभी प्रॉब्लम नहीं हुई क्या? ये बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग पे जाते हैं, आपको ही पकड़ लेते, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? अच्छा लेकिन बाहर में देख रहा था राजपाल जी, मतलब सब इतने घुले मिले थे आपस में, प्यार व्यार की बातें हो रही थी, सिर्फ उपेन और राजपाल जी बात नहीं कर रहे थे। क्यों? मुझे लगा कोई झगड़ा बगड़ा हो गया। मैंने कहा सर ये क्या प्रॉब्लम है? तो उपेन कहता देखो मुझे हिंदी नहीं आती है, कहते मुझे इंग्लिश नहीं आती। आपस में क्या बात कर रहे? लेकिन ऐसा नहीं है, अभिजीत दा के साथ भी कोई बात नहीं कर रहा था। क्यों? मैंने लोगों को खुद कहा सामने, मैं कहा भैया बात तो करो, कहते कौन है ये? करिश्मा इधर है ना? ओह माय गॉड, इधर खड़े। चलो भी 10:10 हो गए हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। जी सर एक्चुअली अब तो उपेन है साथ में। नहीं तो सर क्या समझ तो सकते? ये यही सही कॉम्बिनेशन है, देखो आप घूम के आओ। हाय
ऐसा लगता है पहला कोई स्टार है जिसने फीमेल बाउंसर रखी हुई है। अभिजीत आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। बोलिए। कि आप रात को सोने से पहले क्या अपना मुंह पानी में रख के सोते हैं क्या? ऐसा क्यों? नहीं मतलब ऐसा बड़ा हो जाता है मुंह। उपेन जी हंस हंस के लोटपोट हो रहे देखिए, क्योंकि उनको पूरा समझ आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा जैसे सेवन अप की बोतल में एक ऐसे कार्टून नहीं होता था। आप सब लोगों ने कॉमेडी नाइट्स बचाओ तो देखा ही है, देखा है ना? यस जी। चलो मुबारक हो, इन सबके घर टीवी है। तो मैं सब आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे शो पर होता है अक्सर, आज ऑडियंस वैसा नहीं होने वाला है। मतलब मैराथन आप लोगों ने देखा है, मैराथन मतलब एक बार बंदा भागना शुरू करता है तो भागता ही रहता है, ऐसे ही आज कॉमेडी का मैराथन होने वाला है, नॉन स्टॉप कॉमेडी होगी आज। और आप ये देख रहे हैं दो बजर लगे हैं, जब आपके बारे में कोई बोल रहा है और आप सह नहीं पा रहे, उसको अपने सामने से हटाना चाहते हैं, तो आप एक बजर दबा सकते हैं, वो बंदा आपके सामने चला जाएगा, दूसरा परफॉर्मर आ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद उठ के जाना चाहते हैं तो आपको दोनों बजर दबाने पड़ेंगे। आप लोग तैयार हैं नॉन स्टॉप मैराथन कॉमेडी के लिए? बिल्कुल तैयार है। टांग खिंचाई। अरे खींचो, कितनी? अरे सर आज आपको लंबा करके भेजेंगे, देखो। आज आप और करिश्मा तन्ना बराबर जाएंगे एक ही हाइट में। कृष्णा जी कौन किसको हटाए? कौन? मैं बोलती हूँ। अभिजीत जी काफी एक्साइटेड लग रहे हैं ना? हाँ, अभिजीत जी सीनियर हैं यहाँ पे, इसीलिए उनको नहीं बिठाते, उपेन और करिश्मा को बिठाते हैं। अभिजीत सर, राजपाल जी आप इधर आ जाइए। जी। ऑडियंस आप लोग तैयार हैं नॉन स्टॉप मैराथन टांग खिंचाई के लिए? जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हेलो, हाँ करिश्मा बोल रही हूँ। नहीं, करिश्मा कपूर नहीं, फ्लॉप वाली करिश्मा तन्ना। हाँ बंद करो। हाँ क्या, एक बार जोरदार तालियां उपेन और करिश्मा के लिए, क्योंकि हम सबको पता है, उन दोनों को भी पता है कि उन बेचारों के लिए कोई तालियां नहीं मारेगा, इसीलिए बीच में मुझे कह कह के तालियां बजवानी पड़ेगी। भाई एक बार तालियां बजवा दो। मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस और काला दिन है कि आज मैं करिश्मा तन्ना बनी हूँ, जो खुद कुछ नहीं बन पाई, मैं करिश्मा तन्ना बनी हूँ। ये देखो करिश्मा तन्ना लग रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है करिश्मा तन्ना इधर से झांक रही है। इधर देख, मैं कौन बनाऊँ? उपेन पटेल। ओह माय गॉड, इसकी भी जिंदगी का आज काला अमावस दिन है। हेलो, बड़ी बड़ी फिल्में की है मैंने, नमस्ते लंदन। यस, इन्होंने उधर लंदन को नमस्ते की, इधर इंडस्ट्री ने इनको नमस्ते कर दी। बेबी, I'm from London. हाँ? London? Yeah, baby, he's from London. आपको पता आमतौर पे इंडियन लंदन जाते हैं क्योंकि वहाँ टैलेंट की बहुत कदर होती है, और ये इधर आ गए, आप समझ लीजिए। क्या बोले जा रही हो यार? सॉरी बेबी, मेरे बेबी बहुत ही टैलेंटेड है ना उपेन, जैसे मैं टीवी में काम करती हूँ, उपेन फिल्में भी करते हैं, टीवी भी करते हैं, और टीवी क्या करते हैं भैया, 3 मिनट में पूरा टीवी खोल देता है। और उसके बाद यहाँ पर जो स्क्रू ड्राइवर रख के पेज करता है, मजा आ जाता है। हेलो, आई एम डिफरेंट, लोगों की यहाँ डिंपल होता है, मेरे ठुड्डी पे है। बता दो सबको क्यों है? क्योंकि दिन रात टेंशन में रहता, सोचता रहता फिल्में क्यों नहीं चलती। कैसा हो रहा है मेरे साथ, मैं कब स्टार बनूंगा? बेबी, लेकिन ऐसा नहीं है,
एक मिनट, हंस क्यों रहे हो? ऐसा नहीं है कि मेरे उपेन के पास काम नहीं है। हर मंगलवार के दिन उपेन मंदिर के बाहर बैठते हैं और हर लोग ना सिक्का लेके उनके यहाँ लगाते हैं, अगर चिपक गया तो मन्नत पूरी, नहीं तो फिर नहीं। वैसे एक बात बोलूं, मेरा उपेन ना बहुत एडजस्टिंग है, लंबा करियर तो नहीं लेकिन लंबी गर्लफ्रेंड फंसा ली इन्होंने। बेबी इन सबको ये तो बताओ, जब पहली बार इन्होंने हमें कॉमेडी नाइट्स बचाओ के लिए बुलाया तो मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? मैंने कहा बॉस 5 स्टार होटल से नीचे तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। 9 बजे आए थे निकुल सर, मैं 12 बजे पहुंचा वहाँ पे। क्योंकि उसी होटल में काम करते हैं ना, 12 बजे शिफ्ट खत्म होती है, ये उधर बाउंसर है और मैं ड्रिंक सर्व करती हूँ। बॉडी देखिए मेरी, यहाँ पे किसी की, ये सुदेश जी, कृष्णा, किसी के पास सिक्स पैक नहीं है, मेरे पास एक ही चीज हो सकती है ना, या तो काम कर लो या बॉडी बना लो। यार बेबी ये सारी बातें यहाँ थोड़ी बोलनी है, यार मतलब कई बातें अकेले में फ्री टाइम में भी कर सकते हैं ना। मतलब पूरा दिन वही बातें करते रहे? पूरा दिन क्यों? क्योंकि फ्री होते हैं ना हम दोनों। गुजराती? बेबी मैं गुजराती हूँ ना, तो हर चीज नाप तोल के बोलता हूँ। हाँ वो तो है, गुजराती लोग बहुत कंजूस होते हैं, चाय भी बनाते हैं तो किसी को कम देते हैं, खाना भी कम देते हैं, लेकिन करियर क्यों कम बनाया? करियर तो अपने लिए बना भाई। अब मैं जो बात बताने वाली हूँ ना करिश्मा, वो पेन और तुम्हारे कानों से खून निकल आएगा। ऑलरेडी निकल चुका है। एक बार है ना उपेन ने ना बजा सकती हूँ प्लीज? शकील जी आ गए। नहीं नहीं नहीं, कान के नीचे बजेगा फिर। करिश्मा कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अभी खराब करते exactly. हैं। अरे भाई शादी हो रही है, मैंने करिश्मा से पूछा भाई लड़का क्या करता, बोले सिर्फ तंग करता है और कुछ नहीं। ये है उपेन, ऐसे लग रहा कोई लड़ाने वाला मुर्गा बैठा हो तुमने साथ। क्या खूबसूरत जोड़ा है, लगता है दो सहेलियों की सगाई हो गई है। कसम से इनकी लव स्टोरी कैसे होती होगी, लव सीन कैसे होते होंगे? उपेन कहता होगा आज मौसम बहुत अच्छा है, आज रोमांटिक मौसम है, चलो पार्क में बैठते हैं, 1.5 पाव इमली लेके ना चटकारे लेके खाते हैं, मर्दों की बुराइयां करते हैं, आ जाओ। तो शादियां जो होती हैं ना, शादियों के अंदर क्या होता है अमूमन कि लड़कियां रोती हैं धाड़े मार मार के, मिडिल क्लास के लड़के धाड़ा मारे, लेकिन करिश्मा नहीं रोएगी, सब रो रहे होंगे, अपने मेकअप ठीक करेगी, 22,000 लग गया मुंह पे। लेकिन एक बात है यार, ये मासूम बहुत है ना, मासूम नहीं होता तो तेरे से सेट होता। मासूम बहुत है, इतना मासूम है मेरे पास आया दुनिया से खून निकल रहा। मेरे को पेन क्या बोला, बस में आ रहा था शकील भाई, कील लगी हुई थी ना तो धगड़ धगड़ चले थे यहाँ लगे। अरे मैंने कहा भाई अगर लग रही थी तो सीट बदल लेते, बोले किससे बदलता है, बस में कोई था ही नहीं मेरे अलावा। मैं बहुत मासूम है, पता पानी के गिलास में ना शकील जी, पानी के गिलास के अंदर ना बकरी की मेंगड़ी डाल के कह रहा पहली टैबलेट घुल नहीं रही है यार। करिश्मा आई कह रही है घुलने उलने को छोड़ो, पियो पेट में घुल जाएगी, चलो कोई। वैसे करिश्मा मैंने इतनी कर दी है, मुझे नहीं पता शादी का कार्ड तो नहीं आता मेरे लिए, तो मैं अभी कह देता हूँ मुबारक हो। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ मुंह बाहर रखो। वो जहाँ टोकन वाला नहीं बैठता वहाँ रख दो, रहने दो। बात करो बात करो। किससे फोन पे बात कर रहे हो? पागल होगी, चप्पल पे कोई बात करता है क्या? ये राजपाल यादव यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, इलाज कराने आया है। इन्हें क्या बीमारी हुई? जो 36 साल पहले मुझे हुई थी। वो क्या? मैंने भी एक दिन कहा था ना मैं हीरो हूँ, आज ये कह रहा है। इनकी छोड़ो,
तुम्हारे इंजेक्शन का टाइम हो गया, चलो। राजपाल भाई देखो इसका अपना मुंह टीके जैसा मुझे इंजेक्शन लगा रही। क्या हो गया, क्या शोर मचा रहे हो तुम? क्या हो गया? एक मिनट, हमारी डॉक्टर आटा मांग के आ गई है कहीं से। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, तुम मेरे नर्स के बारे में कुछ मत बोलना। आखिरी वार्निंग? हाँ। चलो मैं डर गया फिर। फिर मैं राजपाल के लिए बात करूंगा फिर। क्या बात करोगे उनके बारे में? तुम्हें क्या पता है उनके बारे में? मुझे पता है, ये पैदा भी हमारे हॉस्पिटल में हुए थे। तेरे हाथ हुए थे? तू दाई थी इसकी? मेरी दादी थी। दाई? हाँ। तभी तो केस बिगड़ा है। ए, इनका ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, गुस्सा आ गया ना तो 11:40 की आखिरी छिपकली पे बैठकर निकल जाएंगे। तुम्हें पता है वो कितने बड़े एक्टर हैं? वो बचपन से एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा। अभी कल ही इनका फिल्म आ रहा था मेरे टीवी पे ना, मेरी दीदी ने देख के मुझे बताया कि देखो कि मोगली ना बड़ा हो गया। ऐसे नहीं बोल, बुरी बात होती है, मोगली बुरा मान गया फिर। तुम बहुत बोल रहे हो ना, तुम ऐसा बोल रहे हो कि जैसे तुम उन्हें बचपन से जानते हो, तुम्हारे कोई खास लगते हैं। रिश्तेदार है? अच्छा, कैसे तुम्हारे रिश्तेदार हैं? उसका कुत्ता मेरा कुत्ता आपस में कजन है। मेरे से दादा नहीं जानते, मुझे अभी पिछले दिनों उसने अपने घर बुलाया था स्विमिंग करने के लिए। तुम गए? हां, मैंने देखा वहां पे स्विमिंग कर रहा था ये। कैसे? प्याले के अंदर पानी रख के ना लाइफ जैकेट पहन के तैर रही। तो इसको फिर से दौरा पड़ रहा है, इसका दिल का एक्सरे दिखाओ मुझे। ये एक्सरे ये देखो, ये घुटना, ये दिल। दिल यहाँ, घुटना ये कैसे एक्सरे? मैंने ऐसे करके निकलवाया था ना। बहुत मार पड़नी होगी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बैठी। सेलिब्रिटी कहाँ, वो बैठा हुआ राजपाल, वहाँ और कौन है? चुप करो, बैठा हुआ है वो। इतने बड़े आदमी है। अबे काय का बड़ा आदमी खड़ा होकर तारे तोड़ लेता, क्या कर लेता है? काय का बड़ा मोमबत्ती में पहले धागा इसने डाला था। काय का बड़ा ये क्या कचरा सूंघ के बताता है किस इलाके का है? काय का बड़ा क्या गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देता है? काय का बड़ा ये क्या चलती ट्रेन में से डब्बे से मुंह निकाल के पिछले डब्बे से कहता आगे निकल के दिखा? काय का बड़ा है? ये बहुत बकवास कर रहा है ना, आप टेंशन मत लो, मैं इसका इंतजाम करती हूँ। श्रुति क्या क्या ऐसे आदमी होते हैं? बोलूंगा फिर भी। ऐसा आदमी होते हैं ना, अमित जी के गले लगता है उनकी नाभि में गुदगुदी हो रही होती है। क्या बात है, अरे थोड़ी बहुत बरसात क्या ही बाहर, यहाँ तो मेंढक निकला है। अरे नहीं, यहाँ पे है, यही ऊपर बैठा हुआ था। अरे ये देखिए, यहाँ बैठा हुआ है। अगर पांव के नीचे आ जाते ना तो फिर पता चलता राजपाल जी को। पागल कहीं का, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स राजपाल यादव के लिए जोरदार तालियां। एक ही चीज करूंगा। इनके लिए नहीं कर रहा, इन्होंने ऐसा किया कि मेरे को सोफे बुला लो, मेरे को सोफे बुला लो। हर अवार्ड में ये बंदा होता है, हर अवार्ड में। ये बात सच है कि नहीं ऑडियंस? वरना 3 घंटा कौन अवार्ड बनके से खड़ा रहता है? लेकिन भैया छोटा मोटा बंदा नहीं है, हम लोग देख लो, हम लोग आर्टिस्ट लोग सेट के ऊपर आते हैं, एक एक ड्राइवर है हम लोग के पास, इनके पास 3 ड्राइवर, एक ब्रेक दबाने के लिए, क्लच दबाने के लिए, एक एस्केलेटर दबाने के लिए। अब पांव नहीं पहुंचेंगे नीचे तक तो रखने पड़ेंगे कि नहीं? क्या बात, उपेन पटेल। उपेन की स्टाइल की तो बात ही अलग है भैया, स्टाइल मतलब एक स्टाइल होता है बंदे के अंदर। दिखा रहे हो, मैं वैसा नहीं मेरा। भैया हर बंदे के अंदर एक स्टाइल होता है कि नहीं सर? मतलब भैया शूटिंग हो रही है, ऐसे पॉश गाड़ी आके रुकी है, पॉश गाड़ी, ड्राइविंग सीट से ओपन उतरा, यह स्टाइल में, ये पीछे का दरवाजा खोला, मैं उतर, कहते सर थैंक यू मुझे यहां तक छोड़ने के लिए।
कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। हम दोनों गए, हमने डिक्की खोली और करिश्मा को बाहर निकाला। आपने फिल्मों में देखा राजपाल जी को इतना बढ़िया काम करते हैं, मतलब हर सीन में उछलते हैं। ये सोतामी पता है क्यों? इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं भैया मैं कैमरे में ना हूं तो इसलिए। कैसा लग रहा है डबल बेड के ऊपर बैठ के? अक्सर ये लोगों के लिए कुर्सी होती है, लेकिन आपके लिए सर डबल बेड है। लेकिन ये दादा लोग को बोलना चाहूंगा, अरे क्या ये तकिया उठा के बाहर फेंको, कहीं ये पहाड़ समझ के इस पे चढ़ने ना लगे। एक मिनट। लेकिन हेलो, नमस्कारम। मेरा नाम सुरेश मेनन और मैं टूरिस्ट एजेंट है। हम लोग राजपाल को क्यों बुलाए मालूम है? क्योंकि ऐसा लोगों को लगना नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज को बुलाता है, छोटे लोगों को भी बुलाते ना। अरे अभी इतना छोटा है, एक बार अमेरिका में शो करने गए, उधर पता चला पासपोर्ट में उनका फोटोग्राफ नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, पासपोर्ट साइड में रखो, मैं पासपोर्ट के ऊपर बैठ जाता हूँ, हो गया ना फोटो। लेकिन राजपाल जी बड़ा क्यूट है, इतना छोटे छोटे पिक्चर करके ना अपना जैसा बड़ा बड़ा शो में आ गया। इधर देखो राजपाल यादव एक आदमी है, जब भी सेल्फी खींचता ना पूरा आ जाता है। लेकिन राजपाल यादव में बहुत टैलेंट है, जोरदार तालियां प्लीज। इतना टैलेंट है उसमें कि एक बार उसका गाड़ी का टायर पंचर हो गया, सीधा गाड़ी के बाहर है, कुत्ते को किया है, कुत्ते इधर आओ, कुत्ते के ऊपर चढ़ गया और सीधा घर पहुंच गया, गड़गड़ गड़गड़। अभी ये सब भाषा का बात बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा बंद करते हैं, है ना। राजपाल यादव जी जानते हैं कि एक स्टार बनने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितने फिल्मों में कॉमेडी करना पड़ा, कितने फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर, कितने फिल्मों में ऐसा ऐसा उन्होंने काम किया, ऊपर जंप मार, ये करना वो करना। जोरदार तालियों के साथ प्लीज एक्नॉलेज कीजिए कॉमेडी का किंग को, सुरेश मेनन। ऐसा बात नहीं है, राजपाल जी का एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है। ये सच है, जब मैं किसी को पूछता हूँ राजपाल जी का एक्टिंग कैसे लगा, कोई जवाब नहीं आता। आज इधर खुशी की बात है कि कॉमेडी नाइट्स बचाओ में म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज आए हुए हैं, जिनको कोई भी देखना नहीं चाहता है, सिर्फ सुनना चाहता है, क्योंकि इतना सुरीला गाते हैं ये। हाय, नमस्ते। हेलो, नमस्ते, हु आर यू? मैं अभिजीत जी की मैनेजर। माय गॉड, रियली सो नाइस टू मीट यू। कैसे हैं अभिजीत सावंत जी? अभिजीत सावंत नहीं, अभिजीत भट्टाचार्य जी की। अभिजीत भट्टाचार्य? ये पहले बोलना चाहते इधर आ जाए, उनके सेक्रेटरी है भाई, मारे मुझे माफ करना है। और कैसे चल रहा अभिजीत जी का ऑडिशन वॉडिशन? अरे ऑडिशन क्यों देंगे, इतने बड़े स्टार है, इतने बड़े सिंगर है। मैं सावंत के बारे में बात कर रहा था। ये ऑडिशन क्यों देंगे ऑडिशन? भगवान की दया से एकदम अच्छे से अपने घर में बैठा रहता है, ऑडिशन की इनकी जरूरत नहीं है। बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर फोन करके इनसे पूछता है, मालूम है अभिजीत जी फिल्म में गाना गवाना है, कोई भी अच्छा सिंगर का थोड़ा बताओ ना, कौन गा सकता है? You're right. पूछते आज अच्छा सिंगर कौन है। एग्जैक्टली सर, यू आर राइट। लेकिन अगर किसी को म्यूजिक के बारे में नॉलेज है,
अगर किसी को म्यूजिक के बारे में नॉलेज है सिर्फ लता जी। ये पासपोर्ट ना, इस पे आपने क्या किया है? आपने मिस्टेक किया है, एरर है। ओह माय गॉड, अभिजीत जी का पासपोर्ट है। ओ, प्रोफेशन में सिंगिंग लिखा है। अरे प्रोफेशन तो लिखा ही नहीं है, उनके नाम में मिस्टेक है। अभिजीत भट्टाचार्य जी, नॉट अभिजीत सावंत। ओह अभिजीत सावंत लिखा। अरे कोई बात नहीं, अभिजीत सावंत के नाम पे पूरा फॉरेन टूर करके आ सकते ना। ये क्या सावंत सावंत लगा के रखा है? देखिए प्लीज उसके बारे में बात मत कीजिए। मैं उनकी भी मैनेजर थी, मैंने उनका काम छोड़ दिया है। माय गॉड, व्हाई? क्यों छोड़ा आपने उनका काम? अरे वो कितना काम होता है, कितने बिजी है वो, पूरा दिन शो में जाते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, अमेरिका, हर जगह। इनका अच्छा है मतलब घाटकोपर, वीरा देसाई रोड, नीरा रोड, मेरा भारत महान। अभी सारा शो जब इधर ही कर रहे हैं तो फिर पासपोर्ट को चेंज करने की क्या जरूरत है? अब वो एक्चुअली ना मेरी बहन की शादी है तो मैंने इनको बुक किया है, मतलब दिखाना तो पड़ेगा ना कि कितने बिजी हैं, तो नेपाल के लिए पासपोर्ट चाहिए। वेरी गुड। नेपाल के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है? अरे बना दो ना, देखने तो दुनिया, घूमने तो थोड़ा अभिजीत जी को। और वैसे भी इनके इनके कितने हिट गाने हैं, कभी ख्वाबों में आए, कभी यादों में आए, है ना? वाह 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 वाह, वो गाना भी कितना सच होया है। आजकल कभी ख्वाबों में आते हैं, कभी यादों में आते हैं। तो तुमने अगर नोटिस किया तो पहले अभिजीत जी चश्मा नहीं पहनते थे, अभी चश्मा पहनते हैं। क्यों? अरे क्या है, क्योंकि काम ढूंढते ढूंढते थोड़ा उनका नजर कमजोर हो गया। और भी नहीं। और आपको पता है ना, व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना हुआ है। कौन सा? अरे देखिए, अपना पंकज उदास जी, अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी ने ग्रुप बनाया हुआ है, हमें काम ढूंढ के दो यारो। अभिजीत जी बढ़ गया, मेरा सारी मेरा माफ करने। आप बजर बजाने आए हैं सर? हाँ जी अभिजीत सर, ये बंदा हर साल मुझसे फ्री में शो कराता है, आज बदला लेने का टाइम आया। कैसा लग रहा है फ्री में आके सर? लेकिन एक बात है, जब भी इनके वहाँ शो के लिए जाते हैं, इतना प्यार, इतनी इज्जत मिलती है ना सर, आज मुझसे वो उम्मीद मत कीजिएगा। वैसे एक बात बोलूं, इनकी तरफ सब देखिए, यहाँ तक अभिजीत भट्टाचार्य हैं, तुरंत ऊपर जाएंगे तो खट्टाचार्य बन जाएंगे। क्योंकि इनको देख के मन खट्टा हो जाता है यार। लेकिन तो मजाक की बात है। लेकिन उदित नारायण मुझे भ्रष्टाचार बोलता है, अभिजीत भ्रष्टाचार। सच कैसे बता? आपने तो बेटर कॉम्प्लीमेंट दे दिया। लेकिन आप सबको पता है, अभिजीत सर ने 15 लैंग्वेज में गाने गाए हैं, 15 भाषाओं में। यार कोई छोटी बात नहीं होती, 15 भाषाओं में इरिटेट करना आज कोई छोटी बात नहीं। हाय हाय, वाह। लेकिन एक बात है सर, नॉन स्टॉप मजा आ रहा है, पैर क्यों दुखने लग गए सर? अभी तो खींचा ही नहीं अच्छी तरह से। मैं अभी तो नागिन उधर बैठी, आप बैठे बैठे हरे हो गए सर। अच्छा नागिन भी है। लेकिन एक बात है सर, क्या कमाल का गाते हैं, क्या कमाल का गाते हैं अंकित तिवारी। मैं तो सुनती हूँ ना, दिल करता है सुनती रह जाऊं। लेकिन दूसरी बात, आप सबको शायद पता है कि इनको वॉइस ऑफ शाहरुख भी कहा जाता है। शाहरुख के लिए तकरीबन गाने सर ने गाए। क्यों सर? लेकिन अभी इन्होंने बोल दिया है, अब इन्होंने बोल दिया है कि अब मैं शाहरुख के लिए नहीं गाऊंगा। सर कभी शाहरुख से पूछा कि वो अब आपसे गवाएगा? यस, बताइए। मेरे लिए राजपाल यादव बहुत बड़े स्टार हैं, मैं उनके लिए भी गाऊंगा, मैं तो कृष्णा के लिए गाऊंगा, मैं सबके लिए गाऊंगा। सुनो एक बात और सुनो, इसी बात पे मैंने एल्बम किया था तेरे बिना, उस समय बच्चन साहब भी एल्बम में, बच्चन साहब ने भी किया, आपके सब हीरोइन रानी मुखर्जी ने, सब ने किया। मैंने कहा मेरे एल्बम का स्टार होगा मेरा म्यूजिक, और मैंने एक भी स्टार को अपने एल्बम में नहीं गवाया, इसलिए कि आई एम नॉट ओनली द स्टार्स वॉइस, इट्स माय वॉइस। जिसने जिसने मेरे एल्बम में काम किया वो स्टार बन गए। और सुनो, मेरी खोज टी सीरीज की मालकिन बन गई,
कभी यादों में, इससे बड़ा मैंने तो स्टार बनाए हैं यार। और अगर मजा आता सर यही बात आप बैठ के बोलते, आप तो खड़े होके मेरे से पानी के लिए लड़ने लगे कि मैं बाल्टी रख के गया था पहले, तुमने बाल्टी क्यों लगा ली। चलिए एक बार अभिजीत दा के लिए जोरदार तालियां। आपको पता है, एक मिनट, आपको पता है आज मैं पहला ऐसा शख्स होऊंगा जो बजर ही नहीं बजाऊंगा। क्या बात है, चलो आज हम इसको कहते हैं ढीठदा। ये ढीठदा है, बजर नहीं बजाएंगे। लेकिन सर आपको पता है आजकल आप कम गाने क्यों गाते हैं? मैंने इनको कहा था कि पैसे मत लो, इन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए, लोगों ने गाने कम गवाने शुरू कर दिए। जब ये बहुत सारे गाने गाते थे लोग इनको कहते थे अभिजीत दा, अभिजीत दा। अब इन्होंने कम गाने शुरू किए, लोग कहते हैं अभिजीत गा, अभिजीत गा, अभिजीत गा। आपको पता है अभिजीत जी जहाँ जाते हैं लोग चाय पानी बिस्किट खाना मतलब खिलाते रहते हैं, कहती जरा सा ये बंदे का मुंह खाली रखा ये गाना लग जाएगा। तो सर कैसा, अब कुछ नहीं कहेंगे सर? मैं बजर नहीं बजाऊंगा आज। क्यों, आपको इतनी अच्छी लग रही हूँ सर मैं। Yes, I love you, भारती। I love you, Bharti. और मुझे ये भी पता है कि सर आप बजर क्यों नहीं बजा रहे? काफी दिनों बाद टीवी पे आए ना, ज्यादा बैठना चाहते हैं। लेकिन सर हम इतने भी पत्थर दिल नहीं है, मैं आपके लिए ना दोनों इन कान के नीचे बजाती हूँ इनके। स्टॉप टांग खिंचाई का मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है हमारा मैराथन? बहुत अच्छा। अरे वाह हिंदी। भारती क्या बात है, मैंने बोला था ना इसे हिंदी आ रही है। पहला बंदा जिसने 12 दिन पूरी हिंदी सीखी हो कि मैं बोलूंगा बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा। पूरी हिंदी आती है पूरी। उपेन आपको कैसा लग रहा है आज? दो दो हॉट लड़कियां, ज्यादा हॉट कौन लग रहा है? चलो मैं ही लग रही हूँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू उपेन, थैंक यू, थैंक यू उपेन। उपेन पहली बार देखा उपेन का पटेल दुख रहा है। तो चलिए फिर बुलाते हैं, आइए जी मैराथन को आगे बढ़ाए। सबसे पहले कश्मीरा तन्ना। क्या क्या नाम है? करिश्मा। चलो एक ही बात है, वो भी घर पे बैठी, ये भी बैठी है। उपेन। हाँ जी। मैं दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए, प्लीज। अच्छा क्या, एक मिनट। पता क्या है, हमने ऑडियंस को बताया कि आप लोग आ रहे हो फिर भी ये आए हैं, सलूट है आपको। उपेन मैं सच्ची बताऊं? हाँ जी। रात को मैंने सपना देखा, तुम मेरे सपने में आए। हाय हाय हाय, क्या होता है, बहुत बड़ी गाड़ी है, 2-3 करोड़ की गाड़ी है, नीचे उतरता है सलमान खान, ऐसे आता है, ओए होए होए, तुम भी सेम उतरती हो ऐसे ही साइकिल से, तो पता क्या होता है, फिर वो सामने करीना कपूर खड़ी है, उसको वो ऐसे जफ्फी डालता है, आप भी वैसे ही ऐसे खड़े होके तरसते हो, हाय हाय। एक मिनट, आप सोच रहे हो कि मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? देखो मुझे सपना तो आया था सिर्फ सलमान खान का, चैनल वाले कहते इसकी बात करो, फ्री में लेके आए हैं, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। लेकिन मेरा काम है शादियां करवाना, लेकिन आज का शादी करवाता कौन है, अगर ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है तो चल रहा है। मेरी मैनेजर किधर है? मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर। अरे अरे आ गई। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, इंग्लिश में पूछो मेरे से। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू, 3 लाइनें हो गई, 100 रुपए का चेक लो, दफा हो जाओ बाहर। मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये मेरी मैनेजर है और इसने मुझे तो हेलो है, इनको भी हेलो है करो। सर मैं इनको नहीं कर सकती। क्यों सर? वो क्या है ना, जब मैं गाँव से आई थी तो मेरी माँ ने मुझे समझा के भेजा था कि
अनजान लोगों को ज्यादा हलो हाई मत करना। अनजान नहीं है, बड़े फेमस है दोनों आपस में। नहीं नहीं, एक दूसरे को जानते हो बहुत ज्यादा। अभी देखना, ये भी लोग जानेंगे एपिसोड के बाद, देखना आप। ये बताओ कि वो कोई आया नहीं कस्टमर वगैरह? अरे सर, मैं आपको यही तो बताने आई हूँ, हमारे ऑफिस में एक लड़की है, बहुत रो रही है, कहती है कि कल तक मेरी शादी नहीं कराई ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ओहो, उसको बोलो तुम मंदिर में पहुँचो, मैं शेरवानी पहन के अभी वहाँ जाता हूँ। उसकी उम्र देखो, आपकी उम्र। अरे एक बंदी की जान बच रही है, उसका फिक्र नहीं, उम्र की पड़ी तुम्हें? है कहाँ वो, बुलाओ उसको। अच्छा, ये आदमी हमारे एक्ट में नहीं है, वरना बीच बीच में बोल के बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पता है, इनका आशीर्वाद मैंने पहले ही ले लिया, क्योंकि बाद में मैंने सुना है जब ये गले लगाते छोड़ते नहीं है। हाय, हाउ आर यू बेबी? ये आपका बेटा नहीं है? हमारे 10 बजे का कॉल टाइम था, 7 बजे आ गए इधर। मैं बोली 7 बजे आपके लिए दरवाजा कौन खोला? कहते दरवाजे से किसको आना, चूहे की पूंछ पकड़ के बस बिल में से इधर आ गए। ओह हाय, ये फार्मेसी का लवण भास्कर चोरन, ये बंदे ने मेरे साथ बहुत बुरा किया साहब। अरे क्यों, आशिकी में तेरी। अरे ये मेरे को बहुत वादा किया, मेरे को किधर किधर लेके जाता था, पाल घर इधर उधर, मेरे को बोलता टीकू जीनीवाड़ी में तेरे को ढोकला खिलाऊंगा। मेरी जिंदगी का फाफड़ा कर दिया इसने, धोखा दिया साहब। इसका मतलब ये आदमी है वो जो तेरे साथ कुलछरे उड़ाता रहा है? नहीं नहीं, मेरे साथ सिर्फ गुलगुल, छर्रे तो इसके साथ उड़ाता है ये। बहुत छर्रे उड़ाते साहब, इससे मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अरे सेवन अप का कार्टून, मेरी आशिकी में तेरी। एक मिनट, देखो मुझे लगता है इस बंदे ने तेरी हेल्प की है, एक तरफ से देखा जाए तो। हेल्प कैसी? देखो तुम्हें धोखा दिया लेकिन हेल्प है, अब तुम कोई काम का लड़का ढूंढ सकती हो जो वेला ना हो। नहीं मेरी बात ऐसे, बात तो सही है। हा? देखो प्लीज मत रो, ये देखो डेली सोप की आटी देखो। देखो रोने से कुछ नहीं होगा, हम आपकी मदद करेंगे, उपेन से सारी, अच्छा सारी। लड़का देंगे तुम्हें। इससे तो मेरे को याद दिला दे के मैं रो रही थी। मत रो, हम उपेन से अच्छा लड़का दिलाएंगे तुम्हें। अच्छा? हाँ, मुझे ना लड़का एकदम तुषार कपूर जैसा चाहिए। हाँ। इसका मतलब लड़की बड़ी रोमांटिक है, लड़का ऐसा चाहती जो 24 घंटे घर पे रहे और मैं ऐसी करता रहे। ऐसा लड़का चाहिए, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, जरा वो बेकार लड़कों की लिस्ट निकालो। हाँ हाँ। बेकार लड़कों की पढ़ो ऑप्शन। अच्छा, इसमें ये वो लिस्ट है जिसमें वो वेले नल्ले लोग आते हैं। या या। अच्छा, नाम है उपेन। इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो ये बताएगा, ये NRI है ना, नॉन रिक्वायर्ड इंडियन, वो बताएगा नहीं। अरे इधर हिंदी में लिखा है, ये ले। अच्छा हिंदी में भी लिखा है? ये उपेन। ए तू पागल, फिर उपेन? अब तो हिंदी में खुद पढ़। नहीं नहीं, पहला नाम उसी का लिखा है, इधर उपेन लिखे ला है। अच्छा हाँ, क्या लिखा क्या है, उपेन क्या करता? अरे यार ये क्या कर रही हो तुम, आप लोग क्या समझ रहे हो कि हम इस बात को कवर करेंगे? नहीं, हम ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग, ये लोग भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमारे शो पे हम पैसा देते तब आते हैं, ये तो खुद पैसा देके 50-50 हजार हमारा लोग।
पास कर रहे हो? 50,000 दे के आए, वो कंफ्यूज हो गए हमारे पास 50,000 कहाँ से आया? तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? साहब, आशिकी में मेरे साथ अगर कल शाम तक मेरी शादी नहीं हुई तो पंडित सुसाइड करके मर जाएगा साहब। अरे तुम्हारी शादी नहीं होगी तो पंडित क्यों सुसाइड करेगा? क्या बोला? अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो पंडित क्यों सुसाइड करेगा? क्या बोला? लाइन। अरे पागल, पंडित मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है, सुशांत पंडित। जो बहुत अच्छा चल रहा है, ये बड़ा ही गंदा जोक था। हाँ तो सेलिब्रिटी कौन से बड़े हैं? अब बताओ तुम चाहती क्या हो? देखो मेरे को ना कुछ नुस्खा दो। उपेन मेरे प्यार में पड़ गया, ऐसा कुछ नुस्खा दो मेरे को। मैं एक आइडिया दूं? हाँ। तुम ना करिश्मा तन्ना जैसे बन जाओ। वो तो मैं बन जाऊंगी, पहले ये कुछ बने। नहीं, मैं तो बनेगी, इनको बोलो ना। मतलब ऐसा चलेगा क्या? करिश्मा तन्ना बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं बताता हूँ। हाँ। मैं उधर रहता हूँ बिल्डिंग में, मेरे को पता है ये क्या क्या करती है। देखो नंबर वन, मान लो कि तुम्हें कोई फिल्म मिल गई। अच्छा। उसमें भले तेरे 2 दिन का काम है। हाँ। 50 दिन ब्लॉक कर दो प्रमोशन के लिए, लगे कि तू मेन लीड है, ठीक है? अच्छा, तो मतलब आपने भी ग्रैंड मस्ती देखी है? नहीं, नहीं। मैंने 5 बार देखी है, उसमें ये थी। फिर एक्टिंग की होगी ना, इसलिए मैंने पहचाना नहीं। अच्छा। एक मिनट, फिर पार्टियों में जब जाओ लड़कों को मतलब ऐसे ऐसे करके कपड़े छोटे यूं करो, उनको उस्काओ, ठीक है? अच्छा। उनको ऐसा माहौल बना दो, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे उसको, तुम मेरी नजरों से गिर गए हो। एक मिनट, और अगर बंदा सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो? फिर बहुत नाम है, मिंटू, बबलू, बच्चे का कोई भी नाम रख लो, वो आपकी मर्जी। और अगर आपको कोई शो के लिए फोन करे, हाँ, तो चाहे आप पूरा साल वेले हो, कोई काम नहीं, उसको ऐसे बताओ 5 मिनट बाद फोन करना, मैं कैलेंडर पे डेट देख के बताती हूँ। सर, पर इनके पास कैलेंडर ही नहीं है, मुझे पता है। यार ये क्या भेद खोले जा रही है लड़की यार। भेद खोले जा रही। इसने कैलेंडर बोला ना, मेरे को डेट से याद आया, मेरे को ना इसने डेट पे बुलाया था एक बार, बोलता है 9 तारीख मेरा फ्री है। मैंने बोला कैलेंडर देख के बोला तूने? कहता नहीं, सिलेंडर देख के बोला। कहता है, कहता है 9 तारीख को मेरे घर का सिलेंडर खत्म होगा, 10 तारीख से तेरे घर पे खाना खाऊंगा, ऐसा बोलता है मेरे। एक बात बताऊं? अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक दिन कोल्ड ड्रिंक की दुकान के बाहर ना ऐसे खड़ा था, मैंने बोला इधर क्या कर रहा है? कहता है एक दिन पैसा जमा करके जरूर पीऊंगा। ये आप एक मिनट, ये लोग बकवास कर रहे हैं ज्यादा, मेरा गुस्सा जरा मैं दबा दूंगा। मैं क्या कोल्ड ड्रिंक के पैसे, तो अभी भी उनके बैंक में देखो 40-40 रुपए पड़े हुए हैं बेवकूफ। सर, सर, आपने करिश्मा तन्ना बनने की रेसिपी दिखाई, अब अगर किसी को उपेन पटेल बनना हो तो? अरे सुन, मैं बताऊंगी, क्योंकि इसके से पहले मेरे साथ ही 5 साल रहा है ये। करिश्मे दिखाए लड़के ने मेरे को। नंबर वन, भले आपको कितनी भी अच्छी हिंदी आती हो, बिना बात के एक्सेंट में बोलने का। इससे क्या हो गया? इससे भले तुम्हारी शक्ल घाटकोपर वाली हो, तुम लंदन के NRI हो। नंबर टू, हाँ हाँ बोलो। नंबर टू, हाँ आगे बोलो। नंबर टू, आगे नहीं, नंबर टू ही करना है फिल्मों में। नहीं नहीं, मेरा मतलब सेकंड लीड, सेकंड लीड का रोल ही करना है। क्या लीड? सेकंड लीड मिलेगी तो सही, उनको मिलता ही नहीं तो क्या करना करे? क्या तू बात पर? अब मैं ऐसी बात बताने वाली हूँ ना इसकी, वो बाथरूम वाली। एक दिन बाथरूम, हाँ Thank you.
टांग खिंचाई। करिश्मा थोड़ा खड़ा हो ना। हाँ देखा कितनी टांग खिंचाई है, कितनी लंबी हो गई। क्या कह रही थी करिश्मा आप कृष्णा? बोल रही थी कृष्णा एक बार आशिकी हो जाए। हाँ प्लीज कृष्णा। धोखा दिया इसने मुझे। आशिकी। जैसी जैसी इसने हरकतें की ना मेरे साथ, ये उपेन नहीं ओपन पटेल है। कृष्णा काश मैंने ऐसे डांस किया, शायद मेरी फिल्म्स हिट होते होते हो जाते। ये पंच ने सच्चाई बोली है। ये सच है। चलिए हमारे चारों स्टार्स हमारे गेस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाती है। अभिजीत दास से हम पूछेंगे, सर कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? आप लोगों के टैलेंट की बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन इतना अचीवमेंट यहाँ पे बोलना, बहुत से लोग आते हैं बताते हैं, लेकिन मेरा अचीवमेंट आप गूगल में देख लीजिए। और दूसरी बात ये है कि शादी ब्याह में गाना तो मैंने कभी लाइव पे नहीं गाया, इसलिए मैं ज़्यादातर, मुझे छोड़ के ज़्यादातर सारे सिंगर्स शादी ब्याह में गाते हैं और काफ़ी बिजी हैं। मेरी किसी के मजाल है कि शादी ब्याह में मुझे बुला ले तो मैं नहीं करता हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मजाक तो नहीं कर सकता, लेकिन सीरियस बात कह रहा हूँ। सुनिए ना दादा, दादा, ये मजाक करने का ही शो था, ये टांग खिंचाई का ही शो था। खूब टांग खिंचाई करो, जब तक टांग खिंचाई नहीं करोगे कुछ नहीं होता। खूब खींचो और खिंचाओ, एक दूसरे के कपड़े फड़वाओ। करिश्मा मुझे बहुत मजा आया, मेरी और उपेन की खिंचवाई की आप सब ने, बहुत ही मजा आया, एंड आई डोंट माइंड कमिंग अगेन। उपेन व्हाट डू यू वांट टू से? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। इस मंच पे आज आप सब लोग इतने टैलेंटेड हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक कहावत है कि जब आप अपने आप पे हंस सकते हो उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है, और आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। सो थैंक यू कि हमने हम दोनों को इनवाइट किया है। एंड कृष्णा आई वांट टू से समथिंग अबाउट यू कि आई डोंट नो यू पर्सनली, मगर मैंने आपका जर्नी देखा है, आई एडमायर यू, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, एंड टू सी यू हियर टुडे इज अ ब्लेसिंग। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आज पूरे देश में पिछले 10 साल से इन सब कलाकार, ये लेजेंड कलाकार हैं जिन्होंने स्क्रीन के माध्यम से पूरे देश और दुनिया की सेवा की है, और कॉमेडी और सच में ये टाइटल जो है ना कॉमेडी बचाओ, इन्होंने कॉमेडी को बचा के रखा है। ताली बजाओ। अभिजीत दा का गाना ना हो वो शो कभी सर खत्म ही नहीं फ्लॉप नहीं हो सकता बिल्कुल। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.